अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम शहजाद फ्रॉम गैलेक्सी मोबाइल। तो आज हम आए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे टेक्नो का एक लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के नाम से, जो कि 8+8 रैम और 256 GB वाली वेरिएंट मार्केट में लॉन्च हुआ। आज हम इस मॉडल की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे हमें इस मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। इन्फिनिक्स के बाद अब टेक्नो ने भी एज वेरिएंट मार्केट में लॉन्च किया है। इसकी आप शेप भी फ्रंट पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट और मोबाइल को कर लेते हैं जी हम अनबॉक्स। अनबॉक्स करते ही पहले जो चीज़ है वो हमें एक बॉक्स मिल जाता है, इसे बाद में हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी मोबाइल डिवाइस की। तो मोबाइल को हम कर लेते हैं जी ऑन और मोबाइल के ऑन होने तक हम चेक कर लेते हैं मोबाइल की एसेसरी। तो अगर हम बात करें एसेसरी की, तो एसेसरी में हमें एक टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हमें एच वाला हमें इस मॉडल में एक टेम्पर्ड ग्लास दिया गया, जो कि एक नई चीज़ है टेक्नो की तरफ से। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें केस की, तो केस भी हमें मिल जाता है, जो कि जिसकी क्वालिटी की बात करें तो सॉफ्ट सा केस मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें वारंटी कार्ड दिया गया, टेक्नो की 13 माह की वारंटी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मॉडल में जो बॉक्स मिलता है, बॉक्स के अंदर हमें 33 वाट का फास्टली चार्जर मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें हमें फास्टली चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें केबल की, तो केबल इस मॉडल के साथ जो आई है वो टाइप सी पोर्ट की, टाइप ए टू टाइप सी वाली हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा बॉक्स में हमें सिम इंजेक्टर देखने को मिल जाती है। तो मोबाइल की सेटिंग हम कर लेते हैं जी कंप्लीट। दोस्तों मोबाइल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं जी मोबाइल की बैक लुक की। बैक लुक की बात करें तो बैक लुक इस मोबाइल की बहुत ही खूबसूरत किस्म की बैक लुक हमें मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके मेन कैमरास की, तो मेन कैमरा एक यूनिक किस्म का इस मॉडल में हमें कैमरा मिल जाएगा, जिसमें जो कि मेन कैमरा इसमें हमें 108 MP का मेन कैमरा दिया गया, जो कि ट्रिपल सेटअप के साथ दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कैमरे को भी प्रोटेक्शन के लिए एक रिंग लगाया गया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का इस मॉडल में रिंग दिया गया। इसके अलावा डुअल हमें LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। मोबाइल की बैक जो हमें मैट फिनिशिंग वाली इसकी प्लास्टिक की बैक दी गई है, लेकिन कैमरे के साथ में हमें एक डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर हम मोबाइल की साइडें चेंज करें तो इस मॉडल की शाइनिंग चेंज होती है। इसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल की साइडों की, तो साइडें बिल्कुल हमें इस मॉडल की साइडें मिल जाएंगी, जो कि इन्फिनिक्स के 030 और स्पार्क्स के H20 Pro में भी हमें ऑलमोस्ट यही चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल की राइट साइड की, तो राइट साइड पे हमें पावर की मिल जाएगी, वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई है। मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड पे हमें माइक दिया गया। इसके अलावा हमें टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी हमें इस मॉडल में डुअल दिया गया, जो कि मोबाइल की नीचे वाली साइड पर भी और मोबाइल के ऊपर वाली साइड पर भी हमें डुअल स्पीकर इस मॉडल में दिया गया। इसके अलावा हमें इस मॉडल में ऊपर वाली साइड पे माइक मिल जाएगा, जो कि वीडियो कॉल के लिए यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल की नीचे वाली साइड पर हमें सिम ट्रे मिल जाती है, इसे भी ओपन करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो सिम ट्रे की बात करें तो सिम ट्रे में हमें डुअल सिम डालने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें SD कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि इस मॉडल में ऑलरेडी 256 GB वाली ये वेरिएंट है। इसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल की लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली मिल जाएगी। तो डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले हमें इस मॉडल में स्पार्क 20 प्रो प्लस में हमें कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार किस्म का इस मॉडल में डिस्प्ले दिया गया। 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED इस मॉडल में हमें डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट वाला। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रंट कैमरास की, तो फ्रंट कैमरा हमें पंच होल वाला इस मॉडल में कैमरा दिया गया, जो कि 32 MP का इसमें एक अच्छा कैमरा भी मिल जाएगा। अब हम कैमरे को ओपन करके इनकर मैं आपको रिजल्ट भी चेक करवा देता हूँ कि इसके में मेन कैमरा जो हमें 108 MP का मेन कैमरा देगा, इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी हमें इसमें काफ़ी अच्छा इस मॉडल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी पिक्चर की क्वालिटी की बात करें तो वो बॉक्स को काफ़ी प्रोमिनेंट कर रहा है और इसकी साइडें जो ऑटो ब्लर ये खुद ही कर रहा है। तो अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा में इस मॉडल में 32 MP का फ्रंट कैमरा देगा, इसका मैं रिजल्ट भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी काफी अच्छा है इस मॉडल में हमें प्रोवाइड करता है, जो कि 32 MP का इसमें सेल्फी कैमरा, जिसकी रिजल्ट क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मॉडल में हमें जब आप कैमरे को ओपन करते हैं, तो जो हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल कैम का ऑप्शन दिया गया, वीडियो का ऑप्शन मौजूद है जी, फिल्म का ऑप्शन दिया गया, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया, सुपर नाइट का ऑप्शन मौजूद है इस मॉडल में। इसके अलावा अगर आप मोर पे जाएं, तो मोर पे हमें शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मौजूद है, स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया। इसके अलावा और भी हमें काफी सारे ऑप्शन इस मॉडल में मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें इस मॉडल के एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड वर्जन स्पार्क 20 प्रो प्लस में हमें जो एंड्रॉइड वर्जन है वो 14 एंड्रॉइड वर्जन दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा लगाया गया, जो कि ऑक्टाकोर इस मॉडल में प्रोसेसर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें चिपसेट की, तो चिपसेट भी हमें मीडियाटेक का हीलियो G99
इन प्रीमियम क्वालिटी वाला एक अच्छा जो था इस मॉडल में चिपसेट लगाया गया जो कि गेमिंग के लिहाज से भी काफी अच्छा चिपसेट है। अब अगर हम बात करें इस मॉडल की बैटरी की तो बैटरी हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी जो कि एक अच्छी बात है, गेमिंग यूज के लिए बड़ी बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की। अब अगर हम बात करें इस मॉडल के डिस्प्ले की तो डिस्प्ले 6.78 इंच का इस मॉडल में डिस्प्ले दिया गया जो कि बड़ा डिस्प्ले है इस मॉडल में। तो इस मॉडल की इनवॉइस की बात करें तो इस मॉडल की जो इनवॉइस आई है वो 8+8 रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ ये एक ही वेरिएंट आया। इस मॉडल की इनवॉइस 56,000 इनवॉइस रहेगी लेकिन ये आपको फिलहाल मार्केट से इनवॉइस पे या इनवॉइस से प्लस रेट पर मिलेगा। तो ये था छोटा सा इस मॉडल का रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।